अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज आजम मोगल फ्रॉम लर्न पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम टेली में अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली होता है कंपनी का, पूरे अकाउंट्स जो होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पे सारी रिपोर्टिंग हो रही होती है। उसमें ग्रुपिंग हो रही है, जैसे लेवल्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो ये हमारा कंपनी, हमारा जो टेली है उसका जो मेन जो हमारा ये डैशबोर्ड है, ये होम स्क्रीन है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखें, यहाँ हमारे सामने मेन चीज़ें आ रही हैं। क्या है? गेटवे ऑफ टेली है, इसमें मास्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बाद ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे नीचे रिपोर्ट्स हैं, और उसके बाद इस तरफ यहाँ नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आपके सामने क्या कैलकुलेटर आ रहा है, और यहाँ आप लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज होंगी जो भी, और उससे करंट मतलब उसकी पोजिशन जो भी होगी वो आपके सामने दिखा रहा होगा। और इस तरफ यहाँ ये टैब्स जो आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जहाँ जहाँ जिस स्क्रीन पे आप होंगे उसके हवाले से यहाँ पे नज़र आपको आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना, सबसे पहले हम अकाउंट सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो आपने अकाउंट पे क्लिक करना है, या आपने कीबोर्ड से आपने ए प्रेस करना है, तो आप डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। अच्छा, तो यहाँ पर आप ये देखें, आपके सामने क्या चीज़ आ रही है, ग्रुप आ रही है, ग्रुप्स आ रहे हैं और लेजर्स आ रहे हैं। ग्रुप्स बेसिकली वो होते हैं जिसकी बेस पे रिपोर्टिंग हो रही होती है मेन, जिसे आप उसको, जैसे आप सब टोटल होता है, ग्रांड टोटल होता है, इस तरह की चीज़ें। और लेजर जो होते हैं वो आपकी डिटेल होती हैं जिसकी बेस पे आप एंट्रीज ट्रांजेक्शन यानी पास कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये दो नीचे अलग चीज़ें आ रही हैं, आपके साथ में बाद में डिस्कस करूँगा। तो पहले हम लेजर बनाने से पहले हम ग्रुप बना लेते हैं, जैसे पेरेंट ग्रुप होगा, फिर उसके चाइल्ड बनेंगे, तो चाइल्ड्स की बेस पर हम रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने कीबोर्ड से आपने जी प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पर ग्रुप पर आप ला के आप इंटर कर सेलेक्ट कर दें इसको। ठीक है, मैंने जी प्रेस किया, तो यहाँ आपसे दो ऑप्शन दे रहे हैं, आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो एक सिंगल ग्रुप क्रिएट कर रहे हो या मल्टीपल ग्रुप। ठीक है, अगर आपने बहुत सारे ग्रुप एक साथ क्रिएट करने हैं तो आप मल्टीपल पे क्लिक कर लें, और सिंगल ग्रुप करना है तो आप सिंगल ग्रुप पे आप क्लिक करें। और यहाँ पर यह क्रिएट है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आप सिर्फ देख सकते हैं ग्रुप्स को, कौन कौन से आपने क्रिएट किए हुए हैं, और आखिर में ऑल्टर है, इस पर आप जो है ना उसको मॉडिफाई एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और शुरू में आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम सिंगल ग्रुप एक क्रिएट करते हैं, फिर बाद में मल्टीपल सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें, सबसे पहले आपके सामने, अच्छा फिलहाल जो है ना, मैं वही वाले ग्रुप यहाँ पे बनाऊंगा जो हमने ओपनिंग बैलेंस जिनके लेनी है। ठीक है, बाद में जैसे जैसे हमारे सामने नए अकाउंट्स आते जाएंगे, हम मजीद अकाउंट उसमें सेटअप करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें, हमारे सामने क्या चीज़ आ रही है, हमने जो एक्सेल की फाइल रखी थी यहाँ पर, तो यहाँ हमारे सामने टाइप को तो आप छोड़ दें, टाइप तो ऑलरेडी जो है उसके अंदर आ रही होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे सामने क्या है, ग्रुप्स हैं, हमने ग्रुप यहाँ पे क्रिएट, पहला ग्रुप हमारा क्या है, वो बिल्डिंग्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बिल्डिंग्स के नाम से ग्रुप बनाते हैं, बिल्डिंग्स। ठीक है, और एलियासेस का जो है ना आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अंडर किसके अंडर में आप इसको रखना चाह रहे हैं, आपका मेन टाइप क्या है। सही है, तो ये जो है ना आपको टेली प्रोवाइड कर रहा होता है, आप इसको भी वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाई करने की खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड होते हैं ये सारे, आप इसी को इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे सामने क्या है, ये हम बिल्डिंग्स जो है वो हमारी, हमारा क्या है टाइप, उसकी क्या है, फिक्स एसेट्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हमारा ये फिक्स एसेट्स है, तो मैंने इसको फिक्स एसेट पर क्लिक किया। ठीक है, ग्रुप लेवल लाइक है सब लेजर, मैंने कहा अभी फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब लेजर की, अच्छा ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें नॉट एप्लीकेबल इसको कर दें, आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ये ग्रुप है क्रिएट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे मजीद हमें बैंक्स क्रिएट करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, स्टॉक है, ये तमाम ग्रुप्स हमने यहाँ पर क्रिएट करने, तो उसके लिए मैं स्किप करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, स्किप, आपने कहीं पे भी बैक स्क्रीन पे जाना हो तो, यानी पिछले वाले आपने स्क्रीन पे जाना तो आप स्किप कर दें, तो आप इससे बाहर आ जाएंगे और एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आप क्रिएट पे करें, मल्टीपल ग्रुप पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडर किसके रखना चाह रहे हैं हम इसको, सबसे पहले हम जो है, हमारा ग्रुप कौन सा है, वो है अकाउंट हमारा बैंक का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैंक्स रखा, बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, और बैंक अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया, और इसके अंडर हमने बैंक्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, कि हमारे सामने बैंक ऑलरेडी, हमारे हम बैंक के नाम से हमारे सामने एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है,
और उसके बाद दूसरा हमारा ग्रुप है अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे जाएं आप, ठीक है, अकाउंट्स, मैंने कहा अकाउंट रिसीवेबल, और इसको अंडर किसके रखो, यहाँ पे एक आ रहा होगा सन्डरी क्रेडिटर्स डेटर्स के नाम से, ठीक है। ये देखें सन्डरी क्रेडिटर्स इस्तेमाल होता है सप्लायर्स वगैरह के लिए, वेंडर्स के लिए, और सन्डरी डेटर इस्तेमाल होता है रिसीवेबल्स के लिए। तो मैं यहाँ पे सन्डरी डेटर सेलेक्ट करता, मैंने यहाँ पे सन्डरी डेटर्स पे ला के क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने अकाउंट रिसीवेबल के नाम से एक ग्रुप बना लिया। उसके बाद हमारा ग्रुप है स्टॉक के नाम से, तो स्टॉक के नाम से भी यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप आ रहा होगा। हम चाहें तो हम यहाँ पे एक और स्टॉक के नाम से हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक इन हैंड, ठीक है, हम इसके अंडर में इसको रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने क्या आ रहा है, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल है हमारा एक ग्रुप है, और इसको हमने वही वाला सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में रखना है, ठीक है। पहले हमने रिसीवेबल सन्ड्री डेटर में रखा था, इसको हमने इसमें रखना है। और उसके बाद हमारा कैपिटल है, कैपिटल के अंदर जो है ना हमारा ग्रुप कैपिटल एक ऑलरेडी बना हुआ होगा, यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी के नाम से आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल बनाना है, तो कैपिटल हम किसके अंदर रखेंगे, ये देखें कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, तो इसको आपको दोबारा ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी मौजूद है उसको आप दोबारा बना नहीं बनाए। उसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग आप चेक करें, यहाँ पे ड्राइंग के नाम से ग्रुप आ रहा है, अगर इन्होंने पहले प्रोवाइडेड है तो। अब कैपिटल, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, और उसके बाद आपके सामने ड्राइंग के नाम से अकाउंट नहीं आ रहा, तो आप ड्राइंग के नाम से एक ग्रुप बना लें और इसको हम अंडर रख देते हैं कैपिटल के, ठीक है। कैपिटल के अंडर हम इसको रख देते हैं ड्राइंग को, और उसके बाद हमारे सामने ड्राइंग के बाद रिटेंड अर्निंग्स है, रिटेंड अर्निंग के नाम से ऑलरेडी एक ग्रुप होना चाहिए, रिटेंड अर्निंग, ये देखें डुप्लीकेट हो रही है, मीन्स कि रिटेंड अर्निंग के नाम से ऑलरेडी ग्रुप हमारे पास यही मौजूद है, हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हमने जो है ना सारे ग्रुप्स बना लिए। अच्छा, अब हमने उसके बाद हमने अकाउंट्स क्रिएट करने, तो अकाउंट्स हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे। अभी तक अगर आपको कहीं भी इसमें डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आने वाले ट्यूटोरियल में हम मज़ीद इसके हवाले से सीखेंगे, और जिसमें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपना डिटेल अकाउंट जो है वो बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।